सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं के छात्र आपके समक्ष आज की प्रार्थना सभा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रेयर शुरू करवाएं मैम। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान, प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, हमें अपना देश प्राण से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हम इसके योग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। सुविचार। सुप्रभात, मैं अनीशा महातो, कक्षा 9वीं की छात्र, आज आप सभी के समक्ष सुविचार लेके प्रस्तुत हुई हूँ। आज का सुविचार है, सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में दिखे, सपने वो होते हैं जो हमें नींद ही ना आने दे। यह सुविचार हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का है। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय हो। नया शब्द। सुप्रभात, आज का नया शब्द कक्षा 9वीं की तरफ से। आज का नया शब्द विख्यात अर्थात मशहूर। वाक्य में प्रयोग, ताजमहल पूरे भारत में विख्यात है। विद्यालय सावधान, विश्राम समाचार। सुप्रभात, मैं आज कक्षा 9वीं का छात्र आपके समक्ष समाचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। तीसरी लहर की आड़, वैक्सीनेशन में तेजी नहीं तो रोजाना 6 लाख मामले। किसान आंदोलन के कारण कई ट्रेन रद्द।
एक हफ्ते में 13% कम हुए कोरोना के केस। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगान में तालिबान को खड़ा करने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ। ब्रिटेन में काम करने के लिए नहीं मिल रहे लोग। जेलों में बंद कैदियों को भर्ती किया गया। अब खेल समाचार। भारत की शैली सिंह ने लंबी कूद में जीता सिल्वर। दीपक नेहरा ने रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आखिर में मौसम की जानकारी। सिरसा में आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। विशेष कार्यक्रम सुखरबाद। आज मैं आपके सामने स्पेशल आइटम लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है ये, भगवान से पहले आते हैं शिक्षक, वो है हमारे भविष्य के रक्षक। रखो उनके मान का सम्मान क्योंकि वही देते हैं शिक्षा का दान। सब बच्चे उनकी नजरों में एक समान, चाहे वो हिंदू या सिख या मुसलमान। परीक्षा में जब आए परेशानी, विद्यार्थी को याद आए नानी। शिक्षक ने ही हमें समझाने की ठानी, मेहनत और अनुशासन शिक्षक से बच्चों को सिखाना और बच्चों को अच्छा इंसान बनके ही दिखाना। शिक्षक शिक्षा का पाठ पढ़ाता, हर घर में शिक्षा अलग चलाता, हमारे जीवन को उज्जवल बनाता। शिक्षक हमको ये सिखाता, थोड़ी सी तुम और मेहनत करो, थोड़ा सा तुम ध्यान। परीक्षा से तुम मत घबराना, परीक्षा में तुम अव्वल आना। शिक्षक हमको देता इतना ज्ञान, हमको भी करना होगा उनका सम्मान। विद्यालय सावधान विश्राम सावधान समूह गीत। Yeah.
चलिए, बहुत सुंदर प्रार्थना। हर दिन की तरह बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए और स्कूल यूनिफॉर्म में सभी बच्चे तैयार होकर के अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, सुंदर प्रस्तुतियां हैं। बच्चों आप सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। प्रार्थना जो हम विद्यालय में करते थे सुबह सुबह याद आ जाती है बस उसी प्रार्थना की, और सभी एक्टिविटीज उसी तरह से एक बार फिर से हम अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत जल्द मुमकिन है ऑफलाइन शुरू होगा तो आपका ये अभ्यास आपको आगे भी काम आएगा। तो इसी तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे, कल फिर नई प्रस्तुति। धन्यवाद, शुभ दिन।